आज हम लोग एक बेहद पावरफुल वुल्फ मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप किसी कंफर्टेबल जगह पे जाके बैठ जाएं या लेट जाएं, अपनी बैक को स्ट्रेट रखें और ध्यान रहे कि कोई भी आपको कुछ देर तक डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे लेकर जाएं। ऑब्जर्व करें अपनी सांसों को कि कैसे इनहेल हो रहा है, कैसे एक्सहेल हो रहा है। कुछ देर तक सांसों पे फोकस बनाए रखें। अब हम कुछ डीप ब्रीदिंग करेंगे। जब मैं इनहेल कहूंगी तो सांस को अंदर लेना है, जब मैं होल्ड कहूंगी सांस को होल्ड कर लेना है, जब मैं एक्सहेल कहूँगी तो आपने मुंह के थ्रू सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, exhale. अब आप normal breathing पे आ जाएं। अपने आप को एक डार्क रूम में खड़ा पाएंगे आप अभी। उस रूम में एक बेहद बड़ी अलमीरा है जो बहुत खूबसूरत है। अब आप धीरे धीरे उस अलमीरा की तरफ बढ़ रहे हैं और उसे ओपन करेंगे। जैसे ही आप उस अलमीरा को ओपन करते हैं, एक तेज रोशनी आपकी तरफ पड़ती है। आप उस अलमीरा में अपना कदम रखते हैं और एक दूसरी दुनिया में एंटर कर जाते हैं। आप वहां की जमीन को ऑब्जर्व करते हैं। वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आप अपनी नज़रें घुमाते हैं, वहाँ बहुत सारे खूबसूरत पेड़ हैं जो सफ़ेद बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। अब आप आकाश की तरफ देखते हैं। आकाश से बहुत ही छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं जो आपके स्किन से टच हो रहे हैं। आप बर्फ को अपने हाथों से छू रहे हैं और इस नज़ारे को
महसूस कर रहे हैं। अब आप थोड़ी दूर इस बर्फ में चले जा रहे हैं। धीरे धीरे चलते हुए आप एक नदी की तरफ पहुंचते हैं। ये नदी पूरी तरीके से जमी हुई है। नदी के उस पार आप कुछ पहाड़ों को देख पा रहे हैं। वहां से आपको वोल्फ की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब आप इस नदी पे चल के इसे पार करेंगे और दूसरी तरफ की पहाड़ी पे आप जाएंगे। जैसे ही आप इस पहाड़ी पे पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे वोल्फ आसपास घूम रहे हैं, खेल रहे हैं और अपनी फैमिली, अपने पैक के साथ मजे कर रहे हैं। इसे कुछ देर तक महसूस करें, फील करें। ये सब देखकर आप बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कुछ देर तक इस दृश्य को महसूस करें। वहां एक थोड़ी सी दूर पे एक अल्फा वुल्फ बैठा हुआ है, जो यानी कि इन सब वुल्फ का सरदार है, जो बहुत ही ध्यान से हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और वो आपको भी देख रहा है। अब आप उस अल्फा वुल्फ की तरफ जाएंगे। जैसे ही आप उस वुल्फ के पास जाते हैं, उसे दिल से अपना थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड दिखाएं, क्योंकि अगर आप आज यहाँ हैं तो वुल्फ चाहते थे, उन्हें थैंक यू बोलें। अब थोड़ा सा आप अल्फा वुल्फ के पास जाते हैं और उनके बालों को छूते हैं, उनके फर को छूते हैं, उनके बालों में लगी हुई स्नो को आप देख पा रहे हैं। आप उसे छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं एंड वुल्फ के लिए आपके दिल में प्यार बढ़ता चला जा रहा है। एंड अल्फा वुल्फ आपको देख के बेहद खुश है। अब वुल्फ आपको सुनने के लिए तैयार है, आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। वुल्फ के क्लोज चाहिए और उनके कान में आपकी जो भी विश है उसको बोलिए। अच्छी नौकरी, वीजा, अच्छे मार्क्स या कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इमरजेंसी जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है सॉल्व होना, वो विश वुल्फ के कान में बोल दीजिए। वुल्फ के कान में बोलने के बाद जो आप आउटकम चाहते हैं उसे विजुलाइज करें। और इस टाइम पे आप जो भी विजुलाइज करेंगे अपने माइंड में, वो डायरेक्टली वुल्फ तक जा रहा है। तो जो भी आपकी विश है उसे मन में विजुलाइज करें,
जैसे कि वो हो चुकी है एंड उसमें अपने सारे इमोशंस को झोंक दें। जैसे ही आप विजुलाइजेशन ख़त्म करते हैं, पीछे हटिए और वुल्फ के फेस को ध्यान से देखिए। वुल्फ की आंखों में आपके लिए जो प्यार है, दया है, उसे ध्यान से देखें और महसूस करें। अब वुल्फ आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अब आप वुल्फ के साथ थोड़ी देर टहलेंगे, घूमेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे और देखें वुल्फ आपसे क्या कह रही है, क्या गाइडेंस है उनकी आपके लिए। जो भी आपके मन में थॉट्स आएंगे उन्हें बिल्कुल भी जज ना करें, ब्लैंक होके सिर्फ सुने, देखें कि वुल्फ आपको क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस है वुल्फ का। अब वुल्फ को गुड बाय बोलने का टाइम है। डोंट वरी, आप जब चाहें ये मेडिटेशन करके वुल्फ से मिलने आ सकते हैं। वुल्फ को अपना अलविदा दें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड दें, उन्हें थैंक यू बोलें कि उन्होंने आपको सुना है। अब धीरे धीरे वापस आना है। आप वापस पहाड़ के पीछे आ रहे हैं, नदी क्रॉस कर रहे हैं, बर्फ से चल के आप वापस अलमीरा के दरवाजे पे खड़े हो गए हैं। अलमीरा खोलते हैं और वापस उस डार्क रूम में एंटर करते हैं। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को महसूस करना शुरू करें, अपने टोस को विगल करें, अपने दोनों हाथों को रब करें। रब करके जो हीट क्रिएट होगी उसे अपनी आंखों पे रखें और जब आप रेडी हो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू सो मच।